नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में बिहार में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन वो जारी किया गया है, और वो किस चीज़ का है? बिहार विधानसभा रिक्वायरमेंट 2024 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो बिहार विधानसभा में ASO जूनियर क्लर्क और असिस्टेंट केयर टेकर के 73 पदों के लिए आपसे के अभी ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बात कर लेते हैं इन पदों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं आपका फॉर्म कब भरना शुरू होगा। आपका फॉर्म वो 29 जनवरी से भरना शुरू हो चुका है। अगर बात की लास्ट डेट के बारे में तो आपका फॉर्म वो 15 फरवरी तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। आपको 15 फरवरी से पहले पहले आपको अपना फॉर्म भरकर सबमिट कर देना है। इसके अलावा फीस जमा करवाने की जो लास्ट डेट है वो 17 फरवरी रखी गई है। चलिए बात करते हैं इस पोस्ट के लिए आपकी जो आयु सीमा वो क्या रखी गई है। मिनिमम एज के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 17 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार सरकारी नौकरी में कि आपको आयु सीमा में छूट दी जाती है, वो छूट आपको यहाँ पर भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात करते हैं फीस के बारे में। अप्लीकेशन फीस आपकी क्या लगने वाली है इसमें? अप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो आपकी जनरल, OBC और EWS और अदर स्टेट के कैंडिडेट है उनके लिए आपकी फीस है वो 600 रुपये आपकी लगने वाली है। इसके अलावा अगर बात करें तो फीमेल, जो कि ऑल कैटेगरी की जो फीमेल है उनके लिए आपकी फीस है वो 150 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा SC ST और PH कैंडिडेट के लिए भी आपकी 150 रुपये फीस लगने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन आपकी बिहार रहने वाली है। इसके अलावा अगर बात करें शैक्षणिक योग्यता बारे में तो शैक्षणिक योग्यता बारे में अगर बात करें तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी ASO और असिस्टेंट केयर टेकर के लिए आपको क्या किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा क्लर्क के बारे में अगर बात करें तो क्लर्क की पोस्ट के लिए आपकी क्या 12वीं कक्षा आपको पास होना जरूरी है। बात कर लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपका रिटर्न एग्जाम होगा और साथ में आपका स्किल टेस्ट है वो रहने वाला है। ये स्किल टेस्ट है वो सभी पोस्ट के लिए नहीं, कुछ एक पोस्ट के लिए आपका स्किल टेस्ट रहेगा। जैसे कलर की पोस्ट है तो इसमें आपका स्किल टेस्ट रहने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं आपकी जो कैटेगरी वाइज है वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो ASO की टोटल है वो 50 पोस्ट है। 50 पोस्ट में अगर बात करें तो EWS के लिए 4 पोस्ट है, EBC के लिए 20 पोस्ट है, BC के लिए 11 पोस्ट है, इसके अलावा SC के लिए 13 पोस्ट है और ST कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट है। टोटल आप किसके 50 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं असिस्टेंट केयर टेकर के बारे में। तो टोटल आपकी 4 पोस्ट है, जिसमें से अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी की 2 पोस्ट है, EBC की 1 है और BC की आपकी 1 पोस्ट है। जूनियर क्लर्क की अगर बात करें तो टोटल 19 पोस्ट है, जिसमें से जनरल के लिए 2 पोस्ट है, EWS की 1 पोस्ट है, EBC की 7 पोस्ट है, BC कैटेगरी की 4 पोस्ट है और SC के लिए आपकी टोटल 5 पोस्ट है। इस तरह से आपके टोटल 73 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो ध्यान रखना आपको, अगर आप योग्यता रखते हो तो आप ये फॉर्म जरूर अप्लाई करें। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 15 फरवरी है। आपको 15 फरवरी से पहले पहले आपको अपना फॉर्म भरकर जमा करवा देना है। अगली वीडियो में बात करेंगे इसका जो सिलेबस क्या रहने वाला है, ऑफिशियल सिलेबस क्या रहेगा इसका, इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, सारी चीज़ों के बारे में क्या नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।